अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। आज हम नंबर 33 की अहमियत आपके साथ शेयर करेंगे। इस नंबर को गौर से देखें क्योंकि इस नंबर की हकीकत जानकर आप अपनी ज़िंदगी तब्दील करके रख सकते हैं। इस्लाम में ये नंबर 33 कितना अहम है, इसे हम आज तक क्यों नहीं जान सके, और ये सब इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और दिलचस्प चीज़ के बारे में बात करेंगे, और वो बात असल में एक सवाल है कि आखिर 0 से लेकर 9 तक ये नंबर्स जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आए कहाँ से हैं, और इस काउंटिंग गिनती का असल राज क्या है, और ये नंबर्स हमें इस ही शक्ल में क्यों दिखाई देते हैं। कभी आपके जहन में ये बात आई कि नंबर्स कैसे बने? अरबों खरबों की तादाद में ये नंबर्स 0 से 9 तक, यानी 10 नंबर्स ही क्यों हैं? आखिर 10 नंबर्स क्यों हैं? बहुत बड़ा सवाल है। और साइंसी मालूमात के मुताबिक कदीम जमानों से इंसान माल मवेशी या फिर किसी और चीज़ को गिनती के लिए पत्थरों पर निशान लगाते या फिर लकड़ी के छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करते, लेकिन ये तरीका सिर्फ छोटी तादाद की चीज़ों के गिनती के लिए था। और वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान बड़े नंबर्स की गिनती करना भी जान गया। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये जो निशान है ना, ये जी टाइप जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ नंबर जो बनाए हुए हैं, ये जो जी टाइप का निशान, ये नंबर 2 के लिए लिखा गया। लेकिन सवाल ये है कि इस गिनती के पीछे राज क्या है। ये जो 2 लिखा जाता है ना इस तरह, यानी ये नंबर 2 लिखा जाता है, ये नंबर 2 ही क्यों है? ये नंबर 3 भी तो हो सकता था। इस तरह नंबर 3 को नंबर 6 हम क्यों नहीं कहते? अब इसके पीछे क्या राज है कि 4 ऐसा ही लिखा जाएगा और 9 ऐसे ही लिखा जाएगा? गिनती के इस राज को समझने के लिए आपको एंगल यानी जाविये के बारे में जानना होगा, यानी वो शक्ल जो 2 जगहों पर एक ही डॉट नुक्ते पर मिलने से बनती है, जाविया कहलाती है। गिनती बनाने वाले ने जब एक नंबर लिखना चाहा तो उसने एक एंगल बनाया और वो एक नंबर 1 बन गया। ओके, यानी नंबर 1 में सिर्फ एक एंगल होता है। फिर नंबर 2 लिखना चाहा तो उसने 2 एंगल्स डाल दिए। इस तरह 3 के लिए 3, 2 के लिए 2 एंगल, 3 के लिए 3 एंगल लिखा गया। दोस्तों फिर 4 के लिए 4 एंगल बनाए, 5 में 5 एंगल डाल दिए, और लिखते लिखते आज 5 हमारे सामने इस शक्ल में है। इस तरह नंबर 6 में 6 एंगल डालकर इसे नंबर 6 बना दिया। फिर नंबर 7 में 7 एंगल्स, नंबर 8 में 8 एंगल्स, और इसी तरह नंबर 9 में 9 एंगल्स बना दिए। फिर क्या किया, 0 के नंबर को एक गोल दायरे में डाल दिया, क्योंकि 0 में कोई एंगल नहीं बनता, इसलिए इसे 0 कहा जाने लगा, और यूं गिनती का आगाज हुआ। दोस्तों इस तरह हमारी ये तमाम कायनात 0 से 9 तक इन्हीं नंबर्स पर कायम है, जिसके बारे में हम अपनी पिछली कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। लेकिन आज हम जिस नंबर की बात करेंगे वो है, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर 33 के बारे में बात करेंगे। नंबर 33 तारीखी और मौजूदा दौर के हिसाब से एक अनोखा नंबर माना जाता है, जिसमें अल्लाह ने कई राज पोशीदा कर रखे। एक इंसान की रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्रा होते हैं। इस तरह यहूदियों के स्टार ऑफ डेविड में भी नंबर 33 की न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन को भी सामने रखा गया है। 33 डिग्री फ्री मैसन तंजीम में सबसे ऊंचा मुकाम तस्वर होता है। इस तरह इस्लाम की बात करें, हमने आपको बताया यहूदियत के बारे में, ईसाइयत के बारे में, अब इस्लाम, इस्लाम भी नंबर 33 5 अहम नंबर्स की जड़ तसव्वुर किया जाता है। इस्लाम में 33 बार जिक्र की इंतहाई अहमियत बयान हुई है। सैयदना अबू बकर अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हर नमाज के बाद 33 बार सुबहानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, और बाज़ लोग 34 बार भी अल्लाहु अकबर कहते हैं, और 33 बार अल्लाहु अकबर कहे तो ये 99 कलमे होंगे, और पूरा सैकड़ा यूं करें कि एक बार ये पढ़ें, यानी कोई माबूद अल्लाह के लायक नहीं मगर अल्लाह है, तो ये 100 हो जाएगा, उसका कोई शरीक नहीं है, उसकी ही सल्तनत और उसी के लिए सब तारीफ, वो हर चीज़ पर कादिर है, तो उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समुंदर के जहाज के बराबर यानी बेहद क्यों ना हो। इस तरह दोस्तों नंबर 33 अल्लाह के नाम की न्यूमेरिक वैल्यू भी है, यानी नंबर 33 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 66 बनता है, जो अल्लाह के नाम में मौजूद हरूफ की टोटल न्यूमेरिक वैल्यू है। इस तरह नंबर 33 को हम अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 99 बनता है, जो अल्लाह के 99 नामों के बराबर है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अल्लाह के 99 नाम हैं जिसने उनकी हिफाजत की यानी उन्हें मेमोराइज किया, याद किया, वो जन्नत में दाखिल होगा और अल्लाह वित्र यानी ताक है और वित्र को पसंद करता है। इस तरह नंबर 33 को नंबर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 132 बनता है, जो लफ्ज इस्लाम की न्यूमेरिक वैल्यू बनती है। इस तरह नंबर 33 को नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर 165 बनता है, जो कलमा तैयबा की न्यूमेरिक वैल्यू है। इस तरह नंबर 33 को अगर हम नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट आपके सामने है। अगर हम नंबर 1 से नंबर 5 नंबर्स को एक साथ 33 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है, 407385। और इन नंबर्स में अगर हम 0 को भी स्किप कर दें और 5 को भी ख़त्म करें तो ये नंबर 47 और नंबर 38 बनता है। अब कुरान में सूरह 47 में टोटल आयात 38 है और सूरह का नाम सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि नंबर्स का ये पूरा सिस्टम पूरे कुरान में है और इन्हीं नंबर्स पर कायनात और जिंदगी के बाद आने वाली जिंदगी का नक्शा कुरान पाक में हमें समझाया गया है। मसलन कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहि सलाम की मिसाल हजरत आदम अलैहि सलाम से दी गई और मानी के लिहाज से ये बात बिल्कुल वाज़े है, लेकिन अगर कुरान मजीद में ईसा का लफ्ज तलाश करें तो वो 25 मरतबा रिपीट किया गया और इसी तरह आदम का नाम भी 25 मरतबा कुरान में रिपीट किया गया, यानी माने के साथ साथ दोनों पैगंबरों के नामों को भी यकसा तौर पर दर्ज किया गया। इस तरह लफ्ज कुल यानी कहो, जब उसको काउंट किया गया तो ये 332 टाइम रिपीट हुआ, जबकि लफ्ज कालू यानी वो कहते हैं या पूछते हैं, जब उसको काउंट किया गया तो वो भी 332 मरतबा कुरान में रिपीट किया गया। लफ्ज दुनिया और आखिरत दोनों मुसावी तौर पर 115 मरतबा रिपीट किए गए। लफ्ज शैतान 88 मरतबा, जबकि लफ्ज फरिश्ते यानी मलाइका को भी 88 मरतबा रिपीट किया गया। लफ्ज ईमान 25 मरतबा रिपीट किया गया और लफ्ज कुफ्र को भी कुरान में 25 मरतबा रिपीट किया गया। लफ्ज खमर यानी शराब कुरान में 6 मरतबा इस्तेमाल हुआ। लफ्ज कसारा यानी नशा या शराब पीने वाला, उसको भी 6 मरतबा रिपीट किया गया। लफ्ज लिसान यानी जुबान को भी 25 मरतबा लिखा गया और नफ्स खताब यानी बात या कलाम को, उसको भी 25 मरतबा कुरान में रिपीट किया गया। लफ्ज जन्नत और लफ्ज जहन्नम यकसा तादाद में दोनों को 77 मरतबा कुरान में रिपीट किया गया। दोस्तों, ये सब इस बात का सबूत है कि कुरान अल्लाह पाक का कलाम है और अल्लाह ने कुरान को अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला हर मुसलमान को कुरान पाक पढ़ने और गौर व फिक्र करने की ताकत अता फरमाए। आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपका ईमान ताज़ा हुआ है, कुछ सीखने का मौका मिला है, तो सदका जारिया समझ के अपने तक न रखें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, सोशल फैमिली मीडिया फैमिली ऐसा है, सोशल सर्कल है, दोस्त अहबाब है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।